दिग्रस शहर में महान तपस्वी खंटी बाबा जॉकिंग पार्क का भव्य निर्माण सरकारी कागजों पर दिख रहा है, लेकिन जमीनी स्तर पर यहाँ न तो जॉकिंग पार्क है और न ही कोई कथित विकास काम यहाँ नजर आ रहा है। इस पूरे मामले पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। आइए देखते हैं क्या कथित जॉकिंग ट्रैक की हकीकत है। भारत देश में धांधलीबाजों और जालसाजों की कोई कमी नहीं है। किसी जमाने में नटवरलाल नामी शख्स ने सरकार को भनक लगे बगैर ताजमहल को ही बेच दिया था। इतना ही नहीं, आज भी कभी भी गांधी जी के नाम से राशन कार्ड, कोई आधार कार्ड जारी हो जाते हैं। सरकारी दफ्तर में मृत घोषित हो चुके जीवित आदमी को अपने जिंदा होने के सबूत जुटाने पड़ते हैं। कुछ ऐसा ही हाल दिग्रस शहर के कथित श्री क्षेत्र घंटी बाबा जॉगिंग ट्रैक का है। इस जॉगिंग ट्रैक के होने की ओर इस ट्रैक आसपास 270 पेड़ लगाने, रास्तों का विकास करने आदि की कागजी जानकारी निर्माण कार्य विभाग के सरकारी दफ्तर में उपलब्ध तो है, लेकिन जमीनी स्तर पर दूर दूर तक जॉगिंग ट्रैक का कोई अस्तित्व नहीं है। ऐसे में इस मामले में बीसीएन से बातचीत करते हुए, जनता के पैसों से खिलवाड़ का आरोप लगाते हुए बीजेपी कामगार अघाड़ी की दिग्रस निवासी महाराष्ट्र सदस्य कल्पना पवार ने मोर्चा खोल दिया है। दिग्रस शहर में जॉगिंग ट्रैक विकास और इसके निर्माण को लेकर एक मुद्दा काफी गर्माया है, जिसमें धांधली की बातें सामने आ रही है, और इसको लेकर हमारे साथ आज भाजपा महाराष्ट्र स्तर की जो कामगार आघाड़ी जो संगठना है उसकी सदस्य कल्पना पवार हमारे साथ में है। इस जॉगिंग ट्रैक में जो धांधली हुई है उसको लेकर उन्होंने काफ़ी सवाल खड़े किए, आइए उनसे बात करते हैं। ये बताइए मैडम कि ये जो पूरा मामला है, ये इसकी शुरुआत कहाँ से हुई है और किस तरह से, मतलब आपने इसमें सवाल खड़े किए और क्या आपको जो अधिकारी है, संबंधित अधिकारी जैसे सार्वजनिक बांधकाम विभाग की, इनकी तरफ से आपको किस तरह का इसमें प्रतिसाद मिला है या किस तरह से जवाब उन्होंने दिया आपको? नमस्ते, मैं कल्पना पवार। जब इस जॉगिंग ट्रैक को बनाने का मुद्दा चल रहा था गांव में, तब उसमें ऐसे हमको बताया गया है कि इंटरलॉकिंग टाइल्स और सीमेंट के बेंचेस, बैठक की व्यवस्था और उसके बाद में कुछ गार्डन जिसमें बुज़ुर्ग लोग बैठ सके, और घूमने के बाद में कुछ लेडीज़ की टॉयलेट, बाथरूम और जेंट्स की, ये सब हमें बताया गया था। लेकिन जब ओरिजिनल में मुझे पता चला कि काम हो गया है जॉगिंग ट्रैक का, तो ऐसी कुछ चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखाई नहीं दी जो उन लोगों ने पहले बताई थी कि ये सब चीज़ें सुविधा आने वाली है, वो सब चीज़ें मुझे यहाँ दिखाई नहीं दी। तो मैंने बांधकाम विभाग, सार्वजनिक बांधकाम उप विभाग दिग्रस से माहिती लेने की कोशिश की, क्योंकि जॉगिंग ट्रैक बोलने के बाद में वो मुद्दा आ रहा था बीएनसी में, तो मैंने उनसे जानकारी लेने की कोशिश की। तो उन्होंने मुझे रिप्लाई में जो कुछ भी मटेरियल दिया है, और मेरे जो अनशन के विरोध में उन्होंने एक मुझे जवाब दिया है, तो उसमें कुछ ऐसे हास्यास्पद जवाब उन लोगों ने दिए हैं, जिसमें लोगों की हेल्थ को लेके बोला जा रहा था। अब लोगों की हेल्थ को लेके बोला जा रहा था, उसके बाद में जो गाड़ियों की आवाज़ आ रही है उसकी दिक्कत आ सकती है, ये सब मुद्दे उसमें उन्होंने बताया मुझे। लेकिन जब मैंने ओरिजिनल में यहाँ पे देखा तो इस रोड पे कोई आवाज़ आ रही नहीं है, और जॉगिंग ट्रैक में लोग जॉगिंग करने के लिए जाएंगे या गाड़ियाँ लेकर घूमने के लिए जाएंगे? जॉगिंग ट्रैक में तो जॉगिंग ही करेंगे ना, वहाँ तक तो वहाँ पे कोई होंगी नहीं, या गाड़ियों की आवाज़ आ रही नहीं होंगी। इस तरीके के मतलब पढ़ने के बाद में ऐसा मुझे लग रहा है कि किसी छोटे बच्चे ने जवाब दिया है मुझे। अच्छा। किसी इंजीनियर का लिखा हुआ या किसी इंजीनियर ने जवाब दिया ऐसा लग नहीं रहा है वो जवाब। गौरतलब है कि इस मामले को लेकर कल्पना पवार और बादल काशिकर ने संबंधित विभाग से जानकारी हासिल करनी चाहिए, लेकिन उन्हें हास्यास्पद और बेतुके जवाब दिए गए, जैसे जॉगिंग ट्रैक पर पेवर ब्लॉक का सरफेस सख्त होने से लोगों की पीठ और घुटनों में दर्द हो सकता है, यहाँ आवाजाही की और वाहनों के यातायात की कमी होने से लोग जॉगिंग के लिए नहीं आएंगे, ऐसी अजीबोगरीब बातें जवाब के रूप में दी गई, जिसका कोई तुक बनता नहीं। इतना ही नहीं, यहाँ 270 पेड़ लगाने की बात कही गई, लेकिन उन पेड़ों का दूर दूर तक कोई अता पता नहीं है। कई दिनों से ये घंटी बाबा ट्रैक पे मैं आ रहा जा रहा हूँ, पर 270 झाड़ का एस्टिमेट के हिसाब से 270 झाड़ यहाँ पे लगाए गए कहते हैं, पर मैं कई दिनों से आ रहा जा रहा हूँ यहाँ पे घूमने के लिए, सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए, पर मुझके अभी तक मैं खोज रहा हूँ कि 270 झाड़ कहाँ है, पर मुझको अभी तक 270 क्या 70 भी झाड़ यहाँ पे अवेलेबल नहीं मिले, शायद चोरी गए। और 2,24,00,000 रुपए लगा के ये जॉगिंग ट्रैक बनाया गया है, और जनता के साथ
खिलवाड़ किया गया है, इसका जवाबदार मैं शासकीय अधिकारी वो नेता से लेके रहूंगा। जय हिंद, वंदे मातरम। इस कथित जॉगिंग ट्रैक के निर्माण के लिए एक तरफ जनता के पैसों से खिलवाड़ किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ इस जॉगिंग ट्रैक को दिग्रह शहर के भाविकों के श्रद्धा स्थान महान तपस्वी संत घंटी बाबा का नाम देकर इसको पूरा करने के बजाय केवल कागजी घोड़े दौड़ाए जा रहे हैं, जो काफी अफसोस की बात है। BCN न्यूज के लिए जुबेर खान की रिपोर्ट।